हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जन्म ब्लॉग्स। आज मैं उरई के एक ऐसे कोचिंग सेंटर में आया हूं जहां पर आपको बच्चों को जूडो कराटे सिखाई जाती है। इस कोचिंग सेंटर का नाम है ताइक्वांडो। आइए आपको ले चलते हैं इस कोचिंग सेंटर के अंदर। यहां पे जो टीचर्स हैं उनको मिलवाते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं। यहां की टीचर्स बच्चों से क्या फीस लेते हैं, वो कौन कौन से कराटों में कौन कौन सी प्रैक्टिस, क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं, सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। कोचिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, आप ले सकते हैं। मैं सीधा ले चलता हूँ कोचिंग के अंदर। ये कोचिंग का पूरा फेस है, आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे आए हुए हैं वो भी दे सकते हैं। बच्चों से मैं आपको बाद में मिलवाता हूँ। ये पूरा कोचिंग का फेस देख लीजिए आप। यहाँ पर बच्चे सीखते हैं सब कुछ। दोस्तों, इस कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स हैं उनके फादर मेरे सामने बैठे हुए हैं। कहते हैं ना कि सबसे पहले जो भी होता है माँ और बाप होता है, उसके बाद कुछ होता है। तो मैं, मेरी नज़र में माँ बाप सबसे ऊपर हैं, यानी कि मैं ऐसा कहूँ कि भगवान से ऊपर माँ बाप हैं। तो सबसे पहले मैं अंकल जी को नमस्कार करता हूँ, उनका सादर प्रणाम करता हूँ मैं जी। अंकल जी, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार दीक्षित। अंकल जी का नाम है सुनील कुमार दीक्षित। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका जो बच्चा है जो एक एकेडमी चला रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है, क्या कह रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, आपके बच्चे ने ये कब से स्टार्ट किया था? ये 7 साल की उम्र से सीखा है और 1 साल हुए, 2 साल हो गए इसको स्टार्ट किए। अच्छा, तो जब आपके बच्चे ने आपसे कहा कि आपको लगा कि हमारा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है, तो हम उसने बच्चे ने कहा तो हमने कहा कि एग्री हो गए, हमने कि बिल्कुल करो, हमने कभी पीछे नहीं हटे, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जहाँ जा सकते हो। अच्छा, हाँ। तो जब आपके बच्चे ने 7 साल की उम्र से इस चीज़ को स्टार्ट किया तो आपके रिलेशनशिप में किसी ने रोका नहीं? नहीं, हमारा एक मित्र था जिसका नाम शरद यादव है, वो उससे हमने कहा तो वो तुरंत एग्री हो गया। बहुत बढ़िया बात है आपने डाला, हाँ, तो उसने कभी पैसा भी नहीं लिया। अच्छा दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका मैं नहीं सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। मेरे सामने इस अकेडमी के टीचर्स जो कि सामने आ चुके हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सम्मान दीक्षित है। भैया ने जैसा कि बताया उनका नाम सम्मान दीक्षित है, इसका मतलब है कि उनको हर जगह सम्मान जरूर मिलेगा, वो चाहे चाहें या ना चाहें, क्योंकि उनका नाम ही सम्मान है। ये अकेडमी कब से चला रहे हैं? ये अकेडमी में मुझे हो चुके हैं, अगस्त से स्टार्ट की थी। अगस्त यानी कि ये 2023 में, 2023 अगस्त से स्टार्ट की थी आपने? हाँ। तो आपने अगस्त से स्टार्ट की थी, मार्च चल रहा है, यानी कि कुछ ही महीने हुए हैं इस अकेडमी को चला। अभी तक आपने कितने बच्चे ज्वाइन किए हैं इस एकेडमी में? मेरे बच्चों हैं, मेरे एकेडमी में 12 बच्चे हैं, जिससे वजह से आप देख सकते हैं कुछ अभी आए हैं, कुछ एग्ज़ाम की वजह पे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ कहीं घूमने गए हैं इस वजह पे। आपने ये किस कौन सी उम्र से स्टार्ट किया था सीखना? ये मैंने 7 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। हाँ, 7 साल की उम्र से आपने स्टार्ट किया था, उस समय आपकी कौन सी क्लास रही होगी? उसमें सेकेंड या थर्ड क्लास आई होगी। yes. तो आपके मन में सेकेंड क्लास की उम्र में आपके मन में एक ख्याल कहाँ से आ गया कि मुझे ये सीखना है? एक्चुअली ये हुआ, देखो सीधी बात मैं बताना चाहता हूँ कि किसी चीज़ की रुचि और किसी में होती है, किसी की और किसी में, तो मेरी रुचि स्पोर्ट्स में थी। तो मैं स्पोर्ट्स में, मैंने चाहा कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं इसी में हूँ। आपको ही लगा कि मेरी अभी उम्र 7 साल है कि मैं घर वालों के सामने ये बात रखूँगा कि तो वो लोग मना कर देंगे कि हाँ कर देंगे? नहीं नहीं, ये मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, जो कि हर चीज़ में सपोर्ट करती है, कि जो मैं करना चाहता हूँ कि उसमें बढ़ावा देते हैं, जिस चीज़ में पूर्ण रूप से मन लगा के करो उस चीज़ को। तो आपने अभी तक कितने कॉम्पिटिशन को विनर किया है, कहाँ कहाँ किया है, किस प्रकार किया है? मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में 2016 में खेला था गुरुकुलम में, तो सेकेंड आया था सिल्वर मेडल। फिर उसके बाद लखनऊ में खेला राजकुमार सर के यहाँ, उसमें गोल्ड लगा। फिर वहाँ पर गया तो सिल्वर लगा। फिर लखनऊ में गया KDO स्टेडियम में, वहाँ पर भी ब्रॉन्ज मेडल लगा है। और फिर मैंने मध्य प्रदेश से खेला था सागर में, सिल्वर मेडल लगा। और फिर जबलपुर में खेला, वहाँ पर भी सिल्वर मेडल लगा है। और इस बार नेशनल भी खेलने गया था, वहाँ प्रैक्टिस ना होने के कारण थोड़ा सा सिल्वर मेडल आया। और रेफरीशिप भी मैंने की है, उसमें भी ट्रॉफी रखी है, वो मिली है। ओके, तो आप मुझे बताइए कि इस सिलसिले को आप कहाँ तक लेके जाने वाले हैं? इस सिलसिले को मैं इंटरनेशनल तक लेके जाना चाहता हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक भी चला जाए तो भगवान की कृपा है, वैसे इंटरनेशनल तक का मेरा सपना है, और भी जाऊँ।
और जो चीज़ मैंने सीखी है और मेरे बच्चे सीखे हैं एकेडमी के नाम रोशन हूँ माँ बाप का, ये चाहता हूँ। ताइक्वांडो गेम ओलंपिक में शामिल भी है ये। आपकी कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? मेरी कोचिंग सेंटर का नाम है ताइक्वांडो अकेडमी है एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से। ये कोचिंग सेंटर कहाँ पर पड़ता है? ये जेल रोड हो रही पाँच बस स्टैंड के पास, 28 बंदर के जस्ट पीछे, एस जी ताइक्वांडो अकेडमी के नाम से। अगर आपकी कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी क्या फीस चार्जेस क्या चल रही है? ताइक्वांडो की फी 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहती है और 500 रुपये मंथली फीस रखती है। एग्जाम फीस अलग है और टूर्नामेंट फीस अलग है। अगर ताइक्वांडो का कोई इस जूडो कराटे आप जो सिखाते हैं ये इसमें किस प्रकार से होता है, क्या एक्सरसाइज होती है, क्या प्रैक्टिस होती है, क्या होता है? इसमें 5 साल से स्टार्टिंग होती है बच्चों की, बहुत से बहुत 21-25 तक के एज के गर्ल्स एंड बॉयज लिए जाते हैं। हाँ। इसमें जिमनास्टिक होती है और योगा होते हैं और सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है, फाइटिंग सिखाई जाती है। अच्छा, तो यानी कि सेल्फ डिफेंस, फाइटिंग और जिमनास्टिक। यस। इसमें जिम का भी कोई लेना देना है इससे? नहीं, जिम का कोई लेना देना नहीं है इससे। अच्छा, जिम इनसे अलग पार्ट हो गया पूरा? पूरा अलग पार्ट है। अच्छा अच्छा, तो यानी 25 के वो बच्चे नहीं लिए जाते हैं इसमें? नहीं, 25 से 26 तक के बहुत से बहुत हद ले लिए जाते हैं। अच्छा, उसके ऊपर नहीं जाते? नहीं। अच्छा, तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होगा? हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7523957845, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ भैया की अकेडमी से जो भी आना चाहे यूट्यूब चैनल से तो आप आइए, उसके उनके लिए होगा जो कुछ होगा भैया की कृपा, वीडियो देख कर आएगा उसके लिए वो होगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चौंक फोक छुड़े रे आइकॉन जुमे सीधे छे चौंक डांजो केसो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है राज, कोई दिक्कत नहीं, उतार दो सर। चेंज यार, जोड़ो बेटा। ओके डाउन, इनटू आउट, ऐसे हाथ रखो फिर ऐसे रखो, ऐसे रखो फिर ऐसे। देखो ऐसे हाथ रखो आप आगे, चालू है ना, और ऐसे आगे छोटा हो, देखो जैसे देवराज करता है। करो बेटा आप भी करो, सर करो पीछे बेटा, सर करो। हाँ ओके रेडी, बॉडी टाइट, जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी नहीं। हाँ बॉबी चलो चलो बेटा, चक्रासन लगा दो, चलो। हाँ बस हाथ लगा डालो, वेरी गुड। नीचे देखो बेटा, नीचे देखो।
चलो मुझे दोस्तों जालन ब्लॉक्स के साथ जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा है, और हमारी इस वीडियो को देखकर अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और जी हाँ, और हमारे जो साथ हमारे आज यहाँ पे आए थे जालन ब्लॉक से अंतिक दीक्षित जी, तो उनके साथ भी जुड़ के हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा और उनका जो स्वभाव है वो भी बहुत बढ़िया है, मज़ा आया। तो हमें नहीं तो अंतिक भैया को देखने के लिए एक बार ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।